आचार्य भगवान ने इसलिए हमें ये बता दिया कि हम अंतरंग परिग्रह के त्यागी बनकर के, जब अंतरंग का परिग्रह छूट जाएगा तो आपके अनशन, व्रत, उपवास, नीरस, अध्ययन, अध्यापन, कठोर तपश्चर्या, सारा कुछ उत्तम निर्जरा का कारण बन जाएगा। और जब तक अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा, क्योंकि कसा है अंतरंग परिग्रह, अगर कसा ही नहीं छूटी तो मायने भी कुछ नहीं है। आचार्य भगवान 117 और 118 युग्मम कारिका में यह हमें बताते हैं। दंशन शोधो धम्म झाण रदो संग बज्जितो निसल्लो पत्त विशेषो भणियो सो गुण झीणो दुबिव रीदो सम्माधि गुण विशेषम पत्त विशेषम जिणे हिमने दिठम तम जाने ऊण देरी सुदानम जो सो मोख रो तम जाने ऊण देई सुदानम जो सो मोख रो। इन दो युग्मम कारकाओं के माध्यम से आचार्य प्रवर कहते हैं, दंशन शुद्धो, सम्यक दर्शन से शुद्ध, धम्म जान रदो, धर्म ध्यान में रत, संग बज्ज दो, परिग्रह से रहित, निसल्लो, शल्य रहित, पत्त विशेषो, विशेष पात्र भणियो कहे गए हैं। गुणहीनो, इन गुणों से जो रहित हैं, यानी कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं हैं, धर्म ध्यान में रत नहीं हैं, परिग्रह से रहित नहीं हैं, शल्यों से रहित नहीं हैं, वो विशेष पात्र नहीं होते, वे तो विपरीतो अपात्र होते हैं, उससे विपरीत होते हैं, पात्र से विपरीत अपात्र कहे जाते हैं। सम्माद गुण विशेषम, जिनके सम्यक्त्यादि विशेष गुण हैं, वह जिनेहिम जिनेन्द्रदेव पत्य विशेषम विशेष पात्र निदिठम कहा गया है। जो सम्यक्त्यादि विशेष गुण से युक्त हैं, जिनेन्द्रदेव ने उनको विशेष पात्रम विशेष पात्र निदिठम कहा है। जो जीव तम उन पात्र विशेषों को जानी ऊण जान कर सुदानम उत्तम दान निर्दोष दान को दे दी देता है, सोहु वो ही निश्चय से मोक्ष मार्ग में रत है। श्रवण और श्रावक दोनों को इस युग्मम गाथा के माध्यम से प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि रे साधु, आप चूंकि बाह्य दृष्टि से पात्र हैं, आपकी बाह्य दृष्टि से पात्रता कहीं गई नहीं है। याद हमें ध्यान रखना है कि हमने इस रूप को कोई रंगमंच पर धारण नहीं किया, इस रूप को हमने रत्नत्रय के मंच पर धारण किया है। रंगमंच पर धारण किया गया रूप भी शाश्वत रूप बन गया था, और जिसने रत्नत्रय के मंच पर धारण किया हो उसका ये रूप कैसे नाटकीय बन सकता है, याद है ना। स्वामी ब्रह्म गुलाल मुनि ने रंगमंच पर उस रूप को रखा था, जब हंसी खेल में स्वांग रचाया बहुरूपिया था, सिंह का रूप बनाया, कभी किसी का रूप बनाया, राजा ने कह दिया कि अब तुमको आदेश है, अब दिगंबर मुद्रा का रूप बनाइए। दिगंबर मुद्रा का रूप बनाने के बाद
वो बिगड़ नहीं सकता। ब्रह्म गुलाल मुनि ने सोचा कि दिगंबर मुद्रा का मुझे रूप बनाना है, राजा का आदेश है। उन्होंने कहा, महाराज ये रूप फिर बिगड़ नहीं सकता, परवारी जन खड़े हैं। ब्रह्म गुलाल मुनि ने मुनि मुद्रा के लिए समय मांगा कि कुछ समय दो, क्योंकि ये वो मुद्रा है जो बन तो सकती है लेकिन बिगड़ नहीं सकती। इसमें जो जीव गया सो बन गया, इसमें जो जीव उतरा सो बिगड़ गया। उन्होंने इस रूप को रखने के लिए समय मांगा, उस राजा ने समय दिया। 6 दिन तक उन्होंने इसकी प्रैक्टिस अभ्यास किया, साधना किया कि मुझे कैसे ईर्ष्यापद से चलना होगा, कैसे अपनी आत्मा को संभालना होगा, कैसे मैं अपने कृतकर्मों को करूँगा, महाव्रतों को धारण कैसे करूँगा, उस मुनि मुद्रा का पालन कैसे होगा। 7वें दिन ईर्ष्यापद का शोधन करके दिगंबरी बीतराग संत का रूप रखकर ब्रह्म गुलाल मुनि खड़े हो जाते हैं। समाज सभा गदगद हो जाती है, जय जयकार करने लगते हैं। हे धरती के देवता, आपको नमस्कार है, नमस्कार है भगवान, आपको नमस्कार है। वो तो समझ रहे थे कि ये नकली है, लेकिन हे ब्रह्म गुलाल मुनिराज, जितने आप बाहर से निर्मल हैं उतने ही आप अंदर में भी निर्मल हैं। जितने आप बाहर से समदर्शी हैं उतने ही आप अंदर भी आत्मदर्शी हैं। आपने अपने सम्यक दर्शन के माध्यम से आत्मचक्षुओं को उद्घाटित कर लिया। आप धरती के देवता हैं, आपके पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ। परिवारी जन खड़े हैं, कह रहे हैं चलो हो गया नाटक, अब घर चलो। चले गए थे क्या ब्रह्म गुलाल मुनिराज? रूप तो रखते थे, उन्होंने कहा कि राजन अब ये रूप बिगड़ नहीं सकता, ये नाटक और बच्चों का खेल नहीं है। एक बच्चे ने गुड्डा गुड़िया का खेल खेला, 1 मिनट में बच्चे रोने लगे। ये बच्चों का खेल नहीं है आर्य का और मुनियों के व्रतों को ग्रहण करना, क्योंकि जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं ये तो जिनेंद्र देव का रूप है। इस रूप को अब बिगाड़ा नहीं जा सकता, इससे बड़ा असली रूप अब कौन सा होगा। पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, राजा बैठे हैं। उन्होंने कहा छोड़ो रूप को और अपनी भेंट स्वीकार करो। पत्नी कहती है चलो स्वामी अब घर की ओर चलो। कौन स्वामी, किसका स्वामी, किसका पति, किसका पिता, किसका भृत्य कौन है? हे ब्रह्म गुलाल, अब तू अपने ब्रह्म यानी आत्मा के, गुलाल यानी रत्नत्रय के रंग में तू रंग जा। अब कोई नहीं है, बस समता की माँ तेरी माँ है और 10 धर्म तेरे सहोदर हैं। वो 10 धर्म सहोदर एक दिन तुझे ऐसे रिश्ते से जोड़ेंगे, ऐसी अमिट जीवन संगनी प्रदान करेंगे। तेरी पत्नी तो तेरा यहाँ तक साथ निभाएगी और बहुत अधिक घर की देरी तक साथ निभाएगी। तेरा भाई, तेरा पिता शमशान तक साथ निभाएंगे। लेकिन ये समता की माँ अपने 10 सहोदरों के साथ में तुझे ऐसी अंगना प्रदान कराएंगे जो तेरा चिर पर्यंत साथ निभाएंगे। काले कल्प सते पिचा गते शिवानम न विक्रिया लक्षा। सैकड़ों कल्प काल गुजर जाएंगे लेकिन तेरे जीवन संगनी में, तेरे मुक्ति संगनी में कभी कोई विकार पैदा नहीं होगा, झंझावात पैदा नहीं होगा, कोई भी उल्का पात
उस संबंध को तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। हे राजन, आप परम उपकारी हैं, आपने परम उपकार किया है कि मुझे इस रूप में लाने का आदेश दिया। यदि आप ही आदेश ना देते तो पता नहीं मैं कब अपने आप में सुदृढ़ हो पाता। हम सुदृढ़ हो गए फिर भी अपनी सुदृढ़ता को शिथिलता में परिवर्तित करते हैं। किसके लिए करते हैं? कौन है तुम्हारा? सुबह से लेकर शाम तक अगर आप अपने में दत्तचित्त रहेंगे तो आपको होश नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं, निर्दोष सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक धर्म ध्यान में रत निष्परिग्रही बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित माया मिथ्या निदान तीन शल्यों से रहित वे विशेष पात्र कहे गए हैं जो इन गुणों से रहित है। वो रीते का रीता है, वो खाली का खाली है। जिसने तपस्या भी कर ली, समाज के बीच में दीक्षा भी ले ली, मुंडन भी कर लिया, केस लोच नहीं कहा जाएगा उसका, उसका तो मुंडन ही कहा जाएगा। जो अपने रत्नत्रय को आधार नहीं मान रहा, मात्र दिखावा है, जो प्रदर्शन है, वो दूरदर्शन हो सकता है लेकिन सच मानना साथियों वो कभी आत्मदर्शन नहीं बन सकता। हम प्रदर्शन से जुड़ेंगे तो दूरदर्शन से जुड़ जाएंगे, और यदि हम प्रदर्शन से दूर होंगे तो आत्मदर्शन से अपने आप जुड़ जाएंगे। हमें मनोरंजन नहीं करना, हमें आत्मरंजन करना है। मनोरंजन का ये वेश नहीं है, ये पद मनोरंजन का पद नहीं है, ये खिलखिलाने का पद नहीं है, ये बिलबिलाने का पद नहीं है, ये तो सम्यक रीति से जीने का पद है, समयोचित ढंग से रहने का पद है। ये समीचीन पद तेरे समीचीन आत्मा की उपलब्धि करा देगा। ये समीचीन पद विपरीतता को नाश करके साक्षात तेरी आत्मा का अनुभव करा देगा। लेकिन ठहर, पुरुषार्थ कर, हतोत्साही मत बन। रोज ध्यान कर, रोज माला फेर, रोज आसन से बैठ, रोज संकल्प कर। एक दिन ऐसा आएगा तुझे लगेगा मैं आकाश में अधर उड़ता ही चला जा रहा हूँ। यह अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को, अपनी आत्मा की दृश्य को दृश्यमान करने के लिए ज्ञान चक्षुओं को उघेड़े बिना उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिनमें सम्यक्त्वादि विशेष गुण हैं वे जिनेन्द्र देव के द्वारा क्या कहे गए हैं? विशेष पात्र कहे गए हैं। जिन्होंने सम्माद गुण विशेषम, जिन्होंने सम्यक्त्वादि विशेष गुणों को अपने आप में अलंकृत कर लिया है, जिनु दिट्ठम जिनेन्द्र देव ने उनको ही विशेष पात्र जान ऊण कहा है। और जान ऊण यानी कि रे श्रावक, सुधी श्रावक के लिए कहा कि जान ऊण, वो ऐसा जान करके ये सम्यक दृष्टि है, निष्परिग्रही है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित है, निदान माया मिथ्या आदि शल्यों से जो दूर है, ये विशेष पात्र है, इसकी अवहेलना मेरे द्वारा किंचित ना हो जाए। ये कौन? सुधी श्रावक। सुधी श्रावक जान करके उनको विशेष पात्र जाने और अपने द्रव्य का दान करे। सुधी श्रावक का कर्तव्य उन पात्रों को दान देना होता है। और दान देना का मतलब अंजलि में उनके रुपए रख देंगे क्या? हैं, सोना चांदी रख देंगे क्या? नहीं रखेंगे। उनके इस साधना के लिए हित मित पेय आदि भोजन का हम दान करते हैं। शोधन करके बाजार से लाए, आंखों को बंद किया और पका लिया,
फिर थाली में लग कर के आया, फिर आँखों को बंद किया और हाथों में दे दिया। ऐसा ऐसा नहीं, विवेक रखो, उसका शोधन करो। जो श्रमण जो श्रमणी आपके गेह में आई हैं, इनका अगर आहार शोधन करके नहीं कराओगे तो, और आपके इस लापरवाही से, आपके इस प्रमाद से यदि बाल आ गया 1 मीटर का, अरे दिखाई नहीं था बिल्कुल, बहुत सोधा था, मुझे दिखाई नहीं था, माताजी आपका, महाराज आपका दानांतराय कर्म का, आज लाभांतराय कर्म का उदय था, इसलिए हो गया, अपन तो क्या कर सकते थे। एक श्रावक का सोच, दूसरा श्रावक, हे भगवान अंतराय हो गया, बहुत बुरा हुआ, आँखों से पश्चाताप के अश्रु गिरते हैं। अंतराय जिसका हुआ वो साधु संबोधन देता है, भैया क्यों रोते हो, मेरे ही तो लाभांतराय कर्म का उदय था, आपकी गलती नहीं है। श्रवण और श्रावक दोनों को इतना समिति का पालन करना होगा, धैर्य श्रावक भी ना तोड़े कि साधु पर लाद दे, और धैर्य साधु भी ना तोड़े कि श्रावक को दोषी बना दे। दोनों की आवश्यकता है, दोनों को धैर्य रखना होगा, ना साधु वहाँ पर आकर के हूँ हूँ करके डराए, और ना श्रावक अपने क्रिया में किसी प्रकार का प्रमाद बरते, उसका शोधन करे। एक चम्मच दूसरे में ना लगाए, एक दाल में दो दालें ना हो, क्योंकि हर श्रावक हर साधक हर साधिका अपने अपने नियम में होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन भी अपने को नहीं करना है। बहुत ही सावधानी से प्रमाद को छोड़ करके, निष्प्रमादी होकर के हम उन रत्नत्रयधारियों के लिए अगर आहार का दान देते हैं, निर्दोष दान देते हैं, वही श्रावक भी मोक्ष मार्ग में रत कहलाता है। जो सम्यक व चारित्र अथवा रत्नत्रय से युक्त है वे पात्र कहलाते हैं, जो सम्यक से रहित और चारित्र से सहित हैं वे कुपात्र कहलाते हैं, और जो सम्यक व चारित्र दोनों से रहित हैं वे अपात्र कहलाते हैं। ऐसा आचार्य भगवान ने हमें यहाँ बताया है, हम भी अपने प्रज्ञा चक्षुओं को उघेड़ करके अपने क्रियाओं में, अपनी साधना में, दाता अपने आवश्यकों में, दाता अपने द्रव्य में विशेष ध्यान रखें, और साधक जो पात्र हैं वो अपना ध्यान रखें, परिणामों की विशुद्धि और अंतरंग की प्रसन्नता उत्साह उनके चेहरे पर झलकती है, अंतरंग की क्रोधाग्नि, अंतरंग का दंभ, अंतरंग की कुंठाएं उनके चेहरे को विकृत कर देती हैं, जिसको देखकर के दाता समझ जाता है कि पात्र अपने आप में स्वस्थ नहीं है, हमें स्वस्थ होना है। आज का उपदेश इतना ही है।